किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। यदि कोई समस्या है तो सीधे पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी व राहुल गांधी से मिलकर अपनी बात रखी जा सकती है। रजनी पाटिल ने सुक्खू व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आपसी खींचातान से जुड़े प्रश्न के उत्तर में कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पार्टी के अनुभवी व सम्माननीय नेता हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहना है संगठन के माध्यम से गिले शिकवे दूर करने चाहिए तथा वह स्वयं भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी व सोनिया गांधी से कह सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह से नहीं हटाया जा सकता। उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ मिल चुकी हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह आने वाले 2-3 दिनों में कांग्रेस के कार्यक्रमों में एक साथ होंगे। लेकिन फिर भी एक पार्टी के इंचार्ज के रूप में छुट्टी भी हुई तो मैं सलाह देना चाहती हूँ, कोई भी पार्टी का नेता कितना भी वरिष्ठ हो या छोटा हो, वो सीधे पत्रकारों के पास, सीधे प्रेस के पास न जाए। जो भी वो अपनी कोई बात है वो जो जैसे हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ शेयर करते हैं वो हमें बताए, उनकी जो भी मांग होगी, उनकी जो भी गिले शिकवे होंगे वो राहुल जी की तरफ ले जाने का काम हम, पोस्टमैन का काम हम करेंगे। लेकिन इस तरह से बयानबाजी देंगे तो उसमें पार्टी में दिक्कत होगी। प्रदेश अध्यक्ष हटेंगे नहीं, आपको क्या लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं ऐसे है कि कांग्रेस पार्टी में किसी ने कुछ कहने के बाद कुछ होता है, ऐसे आपने देखा है इतने साल अपने पत्रकारिता की है, तो मुझे लगता है कि इस तरह से नहीं दबाव डाला जा सकता। अगर उनका कोई वेदना है, उनको कोई कहना है, तो वो पार्टी को हमारे माध्यम से, अब खुद वो इतने बुजुर्ग हैं कि वो कभी भी सोनिया जी को या राहुल जी को जाके बोल सकते हैं, वो मांग कर सकते हैं, लेकिन वो मांग पब्लिकली करना मुझे लगता है इस अनैतिक बराबर पार्टी, और वो हमें पार्टी को टाइम। अभी चंडीगढ़ से उन्होंने मेरे से फोन पे बात की थी, उन्होंने उसको गलत साबित कर दिया था और अपना एक स्टेटमेंट भी निकाला उसके बाद में, 2-3 दिन के पेपर अगर आपने देखे होंगे तो उसने स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है। तो मुझे लगता है कि हमने भी उनको फेयर नजर से देखना चाहिए, सिर्फ वो गलत करते हैं ऐसे नहीं देखना चाहिए। मैं खुद की बात की थी, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है कि आने वाले 2019 में मैं पूरा साथ दे दूंगा कांग्रेस का, और मरते दम तक मैं कांग्रेस का साथ रहूंगा। पड़ेगा थोड़ा, हमें भी थोड़ा पहल करनी पड़ेगी, थोड़ा मनमुटाव जो है वो मनमुटाव और थोड़ा कम कैसे हो, मतभेद जो है वो मनभेद में कैसे न हो जाए, वो हमें करना पड़ेगा, हमें कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत कठिन टास्क है लेकिन हमें करना पड़ेगा। मैडम एक क्वेश्चन और, जैसे आप हिमाचल में आप क्या पैमाने रहेंगे आपके टिकट के नेक्स्ट जो आपका? अभी ये बहुत ही, इट्स वेरी प्रीमैच्योर क्वेश्चन, क्योंकि अभी बहुत ही